हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइज वीडियो। तो गाइज फॉल गाइज में आज हम लोग क्रिएटिव मोड में बनाने वाले हैं स्टंबल गाइज का मैप लॉस्ट टेंपल। तो लॉस्ट टेंपल एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस मैप है और बहुत सारी चीज़ें और मेहनत आज लगने वाली है, तो इसलिए पहले हम लोग देखते हैं लॉस्ट टेंपल का मैप कैसा दिखता है। तो गाइज लॉस्ट टेंपल का मैप ये रहा। अब इसके जो नीचे का पार्ट है ये तो मैं नहीं बनाने वाला, वो बनेगा भी नहीं, हम सिर्फ मेन रेस कोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो दो एक्सेस रहेंगी हमारी, जो कि हमें आराम से मिल जाएगी फॉल का इसमें। उसके बाद ये स्पाइक्स नहीं मिलेंगे, तो हम कोई ऐसा ऑब्स्टिकल देखेंगे जो ऊपर आता हो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन है स्पाइक्स की और यहाँ पे दो या तीन लाइन है, तो ये नोटिस करना पड़ेगा। और ये वाला साइड ईजी भी रहता है, तो इसको थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। फिर साइड से घूम के ऐसे एक आ सकते हैं अपन, और वहाँ पे ये वाले जो चार पिलर हैं ये लगाने पड़ेंगे, और साइड में ये वॉल भी लगानी पड़ेगी ताकि उसमें भी ट्रिक हो जैसे इसमें होती है। और इसके बाद यहाँ से एक ऊपर आने का रास्ता, और साइड की वॉल्स भी देखते रहो, ठीक है। अब ये जो लॉग्स है ये शायद ही मिले, मुझे नहीं लगता ये मिलेगी, तब भी मैं देखता हूँ कुछ और लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर आए और ये हो गया। अब ये पंचेस तो हमें आराम से मिल जाएंगे क्योंकि पंचेस भी रहते हैं फॉल गाइज में। और इसके आगे ये जो बड़ा सा बोल्डर आ रहा है ये देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये तो वैसे फेंकने वाले में मिलेगा, जो कैनन रहता है फेंकने वाला उसी में से आ जाएगा, और बस इतना ही। उसके बाद हमारी फिनिश लाइन आएगी और मैप ख़त्म। तो आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है गाइस, इससे मुश्किल मैप अभी तक तो मैंने नहीं बनाया होगा, इसलिए आज अच्छे से चालू करते हैं हमारा काम। पहले तो इसको येलो फ्लोर बना देंगे जो हमारी स्टार्टिंग की फ्लोर है, फिर ये पतली होती जाएगी क्योंकि पतले से रास्ते में भागेगा जहाँ पे एक्स रहेगी। तो ये हमारा हो चुका है। अब इस मैप में पिलर्स बहुत लगे हैं, आपने देखा होगा, तो पिलर्स जैसा तो इसमें कुछ नहीं है फॉल गाइज में। तो इसमें हमें एक बड़ा सा जो सिलेंडर रहता है ना, मैं सोच रहा हूँ वो ही लगा दूँ क्योंकि वो पिलर का काम कर सकता है हमारे लिए। तो ये रहेंगे गाइज हमारे दो बड़े पिलर, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और कोई इसके आर पार जाने की सोच भी नहीं सकता कोई ट्रिक करने की, इसलिए ये परफेक्ट रहेंगे। अब सामने का जो रास्ता है वो हमें छोटा सा रखना है ताकि जो एक्स है वो पूरी मूवमेंट दे सके अपनी, और जो भी उसके आसपास से जाए वो टकराए। हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे कि कोई साइड से निकल जाए, सिर्फ बीच में से ही जाना चाहिए जो भी जाएगा। अब ये एक्स तो मुझे यार बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, और इसके साइड से आराम से लोग निकल जाएंगे। तो पहले इसको सजाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म को लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कितना बड़ा है ये। वैसे घूम तो सही रहा है लेकिन तब भी साइड में काफ़ी जगह है। हाँ, साइड से बहुत जगह है निकलने की। तो पाथ को मैंने छोटा कर दिया है, अब जो भी जाएगा उसको होने वाली है मुश्किल जाने में। अब आगे का जो राउंड है वो बनाते हैं हम लोग, और वो चालू होता है फिर से दो पिलर से। तो फिर से एक बराबरी का प्लेटफॉर्म रख देता हूँ, और यही दो पिलर हम लोग वहाँ पर भी रख देंगे। अब ये दो पिलर आ चुके हैं हमारे। अब हमारे पास दो रास्ते रहते हैं ना, एक लेफ्ट एक राइट, तो एक एक करके हम लोग दोनों रास्ते बनाएंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हुए। तो लेफ़्ट में सबसे पहले हमें सीढ़ी चाहिए रहेगी, एक सीढ़ी रहती है ना आपने देखा है ऊपर चढ़ने की, वो रहेगा। उसके बाद स्पाइक्स चालू हो जाएंगे, और हमें साथ ही में साइड के वॉल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्स इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है ताकि कोई पहाड़ नहीं गिर जाए पाथ के, क्योंकि उसमें भी लगी है ना लॉस्ट टेंपल में, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी यहाँ पर हमें वॉल्स लगानी पड़ेगी। अब ये दो वॉल तो मैंने लगा दी है, लेकिन इनको हम लोग को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा क्योंकि यार अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे छूट रही हैं। तो ऐसे एक सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी आता है ना, आपने देखा है लॉस्ट टेंपल में लेफ्ट साइड में, तो ये तो हमारा बन गया। अब हमें लगाने हैं इसके ऊपर स्पाइक्स, और स्पाइक्स जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये पंच दिख रहा है बस जो कि ऊपर आता हो, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। तो इसको लगा देंगे, एक सेकेंड, ये तो लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर लगेगा, ये नीचे तो लगेगा ही नहीं यार, यहाँ पे अब मुझे फिर से बहुत एडवांस काम करना पड़ेगा। अब आपको तो पता है ये लोग प्लेटफॉर्म के अंदर लगाने नहीं देते हैं ऑब्स्टिकल, तो इसलिए अब मुझे पंच लाइन से लगाने पड़ेंगे, फिर साइड में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जोड़ने पड़ेंगे जिसके लिए अलग मैथ्स अलग फिजिक्स चाहिए भाई, और वो लगेगा नहीं लगेगा फिर बाद में वो दिक्कत देगा यार, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। इन लोग को है ना ऑब्स्टिकल्स मर्ज करने देने चाहिए फ्लोर के साथ। तो इधर मैंने लाइन से पंचेस लगा दिए जो कि स्पाइक्स जैसे ऊपर आएंगे, ठीक है। अब साइड में अगर मैं फ्लोर लगा दूं यहाँ पे तो यार एक दिक्कत हो जाएगी ना, साइड से लोगों को जगह मिल जाएगी जाने की। तो गाइस साइड से जाने की जगह नहीं मिले, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे सारे पंच लगा दिए स्पाइक्स जैसे, अब कोई साइड से जा ही नहीं सकता है ना, ये सही है। और पंचेस की जो टाइमिंग है
ये देखो जो मेरी पहली वाली ना ये मैंने सेट करी थी और ये वैसे आएगी, ठीक है। दूसरे तीसरे को अब सेट करना है। अब चेक करके देखते हैं, देखो साइड के सही आ रहे हैं, बीच वाला मैंने अलग रखा है ताकि बीच में से जा सके, लेकिन यार बीच में से तो कोई जा ही नहीं पाएगा ऐसे। हाँ, क्योंकि बीच वाले में तो बार बार उठ रहा है वो। अब देखो गाइस कैसा है, अब पूरा रैंडम है, हर कहीं से कुछ भी उड़ जाएगा, बस आप निकलते जाओ। और ये मुश्किल भी है ना, ये ठीक लग रहा है। अब चाहिए हमें दूसरा रास्ता, और दूसरा रास्ता आपने देखा होगा कि एक स्लोप से चालू होता है गाइस, तो हमें स्टार्टिंग में एक स्लोप लगानी पड़ेगी। और ये स्लोप तो यार एक के बाद एक लगाना पड़ जाता है, ये लोग स्लोप को बड़ा क्यों नहीं करने देते। कोई स्लोप अगर मुझे आगे ले जाना है तो कैसे ले जाऊं, एक के आगे एक स्लोप लगाऊं, वैसे ही तुम्हारा स्लोप ढंग से लगता नहीं है। ऊपर से अब हाँ एक और चीज़ है, इसके ऊपर पंच कैसे लगेगा स्लोप के ऊपर, ये बताओ। पंच भी अब मुझको क्या स्लोप में लगाना पड़ेगा यार, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। हटाओ इसको, मैं लाइन से ही नीचे पंच लगा देता हूँ। ये लगा दिए गाइस मैंने राइट वाली साइड के पंच। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो यार ये दोनों इक्वल दिख रहा है ना, इक्वल नहीं दिखना चाहिए, वो वाली साइड में कम रहना चाहिए, ठीक है वो देखूंगा बाद में, और ये वाला थोड़ा इजी रहना चाहिए, है ना। तो ये मैंने इस साइड के दो कर दिए गाइस, अब ठीक है, अब सही लग रहा है लॉस्ट टेम्पल जैसा। और मेरा BSNL का नेट ही चला गया इतनी मेहनत करने के बाद, अब पता नहीं कहाँ से चालू करना पड़ेगा। और हमारी एक लाइन गायब ही हो चुकी है गाइस, तो अब वो फिर से बनानी पड़ेगी, ठीक है लेकिन बनाता हूँ फिर से। तो ये गाइस मेरे आगे के जो प्लेटफॉर्म से ये भी बन गए, जो कि स्पाइक्स ख़त्म होने के बाद आते हैं, लेकिन अब इसके आगे का जो प्लेटफॉर्म है ये आपने देखा होगा, ये थोड़ा राइट की तरफ भी जाता है और वहाँ पे एक गड्ढा टाइप भी रहता है जहाँ से आप बच कर निकल सकते हो। तो उसके लिए मुझे ये जो दीवार है इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा और इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा साइड का जो प्लेटफॉर्म है ये बन चुका है। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी गाइस, कम से कम 10 मिनट तो इसी में लग गए। अब सामने के ये चार स्पाइक्स लगाने मुझे, और ये इतनी ही दूरी पर रहने चाहिए कि हम जंप कर सकें। अब मैं इसको देखता हूँ, देखो दूरी तो ज़्यादा है नहीं, आराम से बंदा जंप करके आ सकता है, लेकिन अच्छा इसको थोड़ा लेफ्ट के साइड खिसकाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा लेफ्ट के साइड में रहते हैं। अब ठीक लग रहा है गाइस, ये देखो लेफ्ट की साइड हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक पिलर लगाना है, पिलर के लिए वही लगा दूंगा सिलेंडर, ताकि कोई इजीली लेफ्ट वाले पे नहीं कूद सके पंचेस में, थोड़ा डाइव उसको मारना पड़े। तो हमारा पिलर लग गया है गाइस, टाइमिंग मैंने सेट कर दी है और ये वाली ठीक है क्या। अब बारी है हमारे राइट साइड की, ठीक है। तो राइट साइड के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा राइट की तरफ भेजना रहता है आगे जाके, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसी जगह भी बनानी कि हम लोग आराम से कूद के लेफ्ट वाली साइड में जा सके। इधर हमारी एक ही लाइन की स्पाइक लगेगी गाइस, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इजी रहता है। अब चेक करके देखते हैं गाइस कि हम लोग पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। आगे प्लेटफॉर्म लगा दिया मैंने, अरे यार नीचे गिर गया। अरे कोई नहीं कोई नहीं, अरे एक सेकेंड यार, चेक पॉइंट ही नहीं लगाया यार मैंने तो कहीं। अरे यार फिर तो पूरा स्टार्टिंग से चालू करना पड़ जाएगा, रुको मैं चेक पॉइंट लगा के देखता हूँ। यहाँ का चेक पॉइंट तो लग गया हमारा, ठीक है ना, ये बढ़िया बैठा है, आराम से लोग आ जाएंगे। अब हमें आगे का लगाना है, लेकिन आगे यार लगेगा नहीं, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो पिलर है, इसके नीचे तो लगेगा कैसे यार, चेक पॉइंट नहीं लग पाएगा। तो चेक पॉइंट हमारा यार कहीं लग ही नहीं रहा गाइस, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ पे एक वॉल वाली ट्रिक होती है, वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स भी आते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो सब नहीं आ पाएंगे गाइस, तो यहाँ चेक पॉइंट तो नहीं लग पाएगा। और यहाँ फिर से मेरा जो नेट है वो जा चुका है। तो अब आया हूँ गाइस मैं 5 घंटे बाद, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वो छोटा वाला ब्लॉक लगा दिया है जिससे कि हम लोग ट्रिक कर सकते थे। और जो चेक पॉइंट है हमारा वो किसी भी एरिया में यहाँ पे नहीं लग रहा है गाइस। तो ये मैप मुझे लगता है हम लोग को बिना चेक पॉइंट के ही पार करना पड़ेगा। और इधर मैंने 10 मिनट एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनली ये जो दो रास्ते हैं ये एक्यूरेटली जोड़ दिए गाइस, उतना एक्यूरेट लेकिन तब भी नहीं लगे। और ये हो गए हमारे 3 ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर राइट साइड से आने वालों के लिए। और इन पत्थरों को भी मैंने परफेक्टली लगा दिया है गाइस, और राइट साइड की जो दीवार है ये भी मैंने ला दी है। तो आज है गाइस दूसरा दिन, और आज हम लोग बाकी का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में तो मैंने पहले जो दीवारें हैं उनका जो कलर है वो लाल कर दिया है ताकि वो अलग लगे। अब हमें लगाने हैं गाइस सामने के दो ब्रिज पाथ,
जिनमें से लॉग्स निकलते हैं। तो लॉग्स का तो पता नहीं, पहले हम लोग ब्रिज बना लेते हैं। तो हमारे ब्रिज तो बन गए हैं, लेकिन हमें लॉग्स कौन देगा ये देख रहे हैं। और ये जो लॉग है ये मुझे मालूम है, ये हिलता नहीं है, तब भी मैं एक बार देख ले रहा हूँ लगा के, क्योंकि ये परफेक्टली लॉग लग रहा है गाइस। और इसका कलर भी हमें डार्क रेड थोड़ा ये से रहेगा। अब इसको देखते हैं कि भाई ये सही में घूमता है कि सिर्फ एक ही जगह खड़े रहता है, और ये कहीं से भी नहीं घूमने वाला गाइस। और ऐसे पड़ा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे कैनन से ही बस मुझे एक उम्मीद बची है कि शायद ये हमें लॉग जैसा कुछ दे दे, बस मिल जाए मुझे। एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी नहीं, लॉग। अरे लॉग मिल गया गाइस। यार ये देखो, ये परफेक्ट लॉग है, लेकिन ये आड़ा टेढ़ा फेंक रहा है यार, ऐसे नहीं चलेगा, ये घूमते हुए आना चाहिए। अब इसको मैं परफेक्ट एडजस्ट करता हूँ गाइस, रुक जाओ। और ये लगा ही दिया गाइस मैंने। अब देखो तुम लोग ये कितना मस्त आ रहा है गाइस। वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन यार पूरा वैसा ही फील दे रहा है, और ये तो ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है मुझे। अब दिक्कत ये आ रही है यार कि बगल वाला बलून लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जो बलून है ये कोइंसाइड कर रहा है। तो ये अब मैं कैसे लगाऊँ मुझे ये सोचना पड़ेगा। चलो इसको ना मैंने थोड़ा पीछे करके लगा दिया है ताकि ये, अरे यार फिर से BSNL चला गया। ये देखो गाइस, यहाँ से अब मुझे चालू करना पड़ेगा फिर से। इतनी मेहनत लगती है गाइस ये एक मैप बनाने में यार, इसलिए यार वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मुझे मोटिवेशन चाहिए तो, क्योंकि बार बार ये जो BSNL है ये पूरा मोटिवेशन छीन ले रहा है, लेकिन मैं बनाऊंगा इसको पूरा। तो गाइस फाइनली लग गए हैं हमारे दोनों कैनन। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, राइट वाला थोड़ा सा ईजी है, लेकिन वो पावरफुल है, जो भी लॉग्स आ रहे हैं वो पावर से आ रहे हैं, इसलिए दोनों थोड़ा बराबर हो जाएंगे। बस राइट साइड थोड़ा ईजी रहेगा, जैसे कि लॉस्ट टेम्पल में भी रहता है। और अब लगाने हैं गाइज हमें पंचेस, तीन पंचेस लगेंगे, और उनका एरिया इतना रखूंगा कि कोई साइड से ही नहीं जा पाए। तो ये हमारे पंचेस लग चुके हैं गाइस, और कोई साइड से नहीं जा पाएगा, जाना है तो उसको पंजों से टकरा के ही जाना पड़ेगा। अब इसके सामने गाइस एक गड्ढा रहता है और वो गोल रहता है, लेकिन फॉल गाइस में हमें कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं दिया जो गोल हो, तो यहाँ पे मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो 10 मिनट के बाद मैंने कुछ इस तरीके से अपना जो गड्ढा था वो एडजस्ट किया है गाइस। अब ये गोल नहीं है, तो अब इसमें मुझे देखना है कि बॉल जो भी हमें मिलेगा वो परफेक्ट अंदर आता है कि नहीं, और वो सीधा घूम के आता है कि नहीं। तो पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ से कुछ भी फेंक के देखते हैं कि सीधा जा रहा है कि नहीं। अब यार इनका साइज़ देख के तो मुझे लग रहा है कि वो स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहता है यार, और हमारे पास इतना बड़ा कोई स्टोन है ही नहीं है। बोल्डर जो है ये भी काफ़ी छोटे हैं यार। एग थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अब और मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि सामने का जो प्लेटफॉर्म है ये हमें और छोटा करना पड़ेगा। अब कम से कम एक चेक पॉइंट तो मैंने लगा ही दिया है पूरे मैप में, ताकि यार थोड़ा तो इजी हो। लेकिन अब गाइस, अब पता क्या दिक्कत है, अब आपने इसके आगे का प्लेटफॉर्म देखा है, उसमें साइड से दीवारें कैसी गोल रहती है, वो भी नहीं हमारे पास। तो उसके लिए अब मैं उसके रिप्लेसमेंट में स्लोप लगाऊंगा साइड में, ताकि वो शायद थोड़ा वैसा फील दे दे। तो ऐसे दो स्लोप मैंने लगा दिए हैं, बीच में एक प्लेटफॉर्म लगा देता हूँ ताकि वैसा फील आ जाए। बस अब देखना है कि क्या होता है आगे, अभी तो बस मैं तुक्के पे खेल रहा हूँ। तो ये जो दो साइड के स्लोप्स थे गाइस, मैंने इन दोनों को बड़ा कर दिया है, ताकि अब मुझे ना फील आए कि वैसे लग रहा है जैसे लॉस्ट टेम्पल में रहता है, और थोड़ी साइड से जाने की भी जगह रहे अगर बीच में से बोल्डर आ रहा हो तो। अब मुझे याद आया गाइस, बीच में एक जगह रहती है जहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं हाफ वे में बोल्डर से, तो वो जगह भी अब हमें बनानी है। तो ये वाला पाथ तो हमारा रेडी हो चुका है गाइस, लेकिन इसके पीछे भी दीवार भी लगानी पड़ेगी, ताकि वहाँ पे जो छुपे वो गलती से नीचे नहीं गिर जाए भाई। अब बारी है हमारे मेन ऑब्स्टेकल की गाइस, जो कि हमारा कैनन होने वाला है, और इसको ऐसा सेट करना है मुझे कि ये जो ऑरेंज बाहर जा रहा है ये सामने जाए, स्पीड से जाए कि बंदों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, और सीधा जाके गड्ढे में गिरे, ये सब सेट करना। अब मुझे लगता है एटलीस्ट आधे घंटे का तो काम होने वाला है। तो 15 मिनट के बाद गाइस फाइनली मेरा जो कैनन है वो सेट हो चुका है परफेक्टली, और अब ये जो कैनन आएंगे, मतलब कि जो बोल्डर आएंगे, ये सीधा बंदों में जाके घुसेंगे और परफेक्टली गड्ढे में गिरेंगे, और फिर दूसरा बोल्डर आएगा। और ये लग गई गाइस हमारी साइड की वॉल्स, ताकि कोई भी नीचे नहीं गिरे। अब बस फिनिश लाइन लगानी, और फाइनली हमारा लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लग गई गाइस हमारी फिनिश लाइन, और हमारा लेवल कुछ इस तरीके से बना है।
अब भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होगी जो मुझे नहीं मालूम होगी, तो वो सब अब मेरे को चेक करनी है यार। ये प्लेटफॉर्म तो ना मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है एक्स के हिसाब से, इसको और छोटा करता हूँ। अब ठीक है, अब कोई साइड से जा ही नहीं सकता, जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट तो यार मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है, और एक बार कोई गिर गया फिर तो भाई चेक पॉइंट भी नहीं है बचाने के लिए, तो इसको भी थोड़ा स्लो करते हैं। हमारे मैप का नाम पता है क्या रहेगा गाइस? लॉस्ट टेम्पल का उल्टा फाउंड टेम्पल। ये मैंने काफ़ी अच्छा सोचा है मुझे लगता है। अभी मैंने मैप खेला गाइस और मुझे समझ में आया कि बिना चेक पॉइंट के लोग इतनी गालियाँ बकेंगे कि कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं बहुत सारे चेक पॉइंट लगाने वाला हूँ जहाँ पे जैसे भी लग जाए। तो हमारा जो मैप है वो फाइनली तैयार हो चुका है गाइस, अब आप देखो मेरा रिनोवेटेड फाउंड टेम्पल। तो सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग एक्स के साथ, और यहाँ से थोड़ी मुश्किल होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक चेक पॉइंट। फिर आप लोग कोई सी भी साइड से जा सकते हो, लेफ्ट वाली साइड से जाओगे यहाँ पे लेज ग्रैब करना ही पड़ेगा, ऊपर है। उसके बाद ये पंचेस से आप जाओगे निकल के, पंचेस थोड़े स्लो हैं निकल सकते हो। फिर यहाँ पे एक आर ट्रिक करनी पड़ेगी, थोड़ा रुक जाना क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट थोड़ा सा दूर है। ठीक है, यहाँ पे आए, ये हो गया, और ये आप लोग ऐसे आ सकते हो लेफ्ट साइड से। अब मैं दिखाता हूँ कि राइट साइड से कैसे आओगे। तो राइट साइड थोड़ा सा और ईजी है लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड में जाने के लिए आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा ताकि टाइम वेस्ट हो, तभी तो लेफ्ट से जाओगे ना। तो यहाँ से राइट से आप जाओगे, ये उचकाया, वैसे नीचे नहीं गिरोगे मेरे को लगता है, गिर भी गए तो चालू कर लेना फिर से। उसके बाद यहाँ से आए, और इधर से आप ऊपर चढ़ सकते हो अगर राइट से आए तो। और जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको चेक पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी लॉक्स आएगी, बहुत ज़्यादा पिटोगे आप, इसलिए यहाँ पे चेक पॉइंट मैंने रखा ही रखा है क्योंकि मुझे मालूम था कोई ना कोई गिरेगा फिर स्टार्टिंग से तो पक्के में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एक चेक पॉइंट रखा मैंने। राइट वाली साइड थोड़ी सी ईजी है, लेफ्ट वाली साइड थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन पार करते ही आपको फिर चेक पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप पंचेस से आ सकते हो, देखो ट्रिक करके दिखा दी मैंने, ये भी आप कर सकते हो। फिर ये करोगे यहाँ पे गड्ढा आएगा, साइड से घूम के जाना, बीच में यहाँ पे स्लोप्स हैं, एक बड़ा सा बोल्डर आएगा जिससे बच के जाना पड़ेगा। बोल्डर को भी मैंने सेट किया था क्योंकि बीच में रुक जा रहे थे बार बार, तो अब ये ठीक है। फिर यहाँ पे एक गैप है, वहाँ से छुप के आ सकते हो, बोल्डर को पार करोगे और आपके सामने फिनिश लाइन आ जाएगी। तो अगर आपको भी ये राउंड खेलना है गाइस तो शेयर कोड है 2565228930300, ये डालना और आप खेल सकते हो फाउंड टेम्पल। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो जहाँ पे मैंने जंगल रोल को फॉल गाइस में बनाया था, वो वीडियो देखनी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।